हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंडियन बेफेंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये मेटल बेबलेट का बैटल होने वाला है, रे स्ट्राइकर वर्सेस फ्लेम लिब्रा। तो फिर देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का बैटल। 3 2 1 लेट इट रिप। क्या रे स्ट्राइकर लिब्रा को बाहर फेंक सकता है? अगर बाहर फेंकेगा तो रे आसानी से जीत जाएगा। रे का फ्यूजन व्हील थोड़ा सा छोटा है लिब्रा से, लेकिन लिब्रा का स्टैमिना तो लाजवाब है। शायद ये स्टैमिना बैटल ही होने वाला है, तो फिर रे का जीतने का चांस एक भी नहीं है। क्या साउंड आ रहा है दोस्तों! जी हाँ, फर्स्ट बैटल जीत चुका है हमारा फ्लेम लिब्रा। 3 2 1 गो शूट। ये देखिए, शायद रबर वाला पार्ट रे का स्टेडियम में टच हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है उसका। लेकिन लिब्रा तो हमारा स्टैमिना किंग है। इन दोनों ही बे को हम लोगों ने बेब्लेड मेटल मास्टर्स में देखा था। जी हाँ, फिर से जीत चुका है हमारा लिब्रा। गो शूट। लगता है एक भी बार हमारा स्ट्राइकर नहीं जीतेगा, हर बार लिब्रा ही जीतेगा। हर बार स्टैमिना बैटल ही हो रहा है। जी हाँ, फिर से रिजल्ट वही। 3 2 1 गो। कम ऑन। उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है हमारा स्ट्राइकर कि लिब्रा को बाहर ढकेल पाए। दोनों ही टकाटोमी का बेस है तो बहुत ही स्ट्रांग, लेकिन लिब्रा तो हर बार हमारे स्ट्राइकर पर भारी पड़ रहा है। जी दोस्तों, फिर से वही। चलिए खेलते हैं आखिरी मैच। 3 2 1 लेट इट। कम ऑन, एक बार तो जीत जाओ स्ट्राइकर। टक्कर भी बहुत देर बाद लग रहा है। स्ट्राइकर को एकदम फ्लैट टिप पर लगाकर देखना पड़ेगा, शायद बहुत अच्छा काम करेगा। रबर टिप पर तो ये एकदम पागल जैसा हो जाएगा लगता है मुझे। वो टिप एक बार लगाकर ट्राई करना पड़ेगा, हम वो दूसरे वीडियो में करेंगे। जी हाँ, तो फिर दोस्तों रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ही है।
हमारा स्ट्राइकर तो एक भी बार जीत नहीं पाया है, 500 के 500 बार जीता है हमारे लिब्रा ने। तो फिर इन दोनों में से बेस्ट पेबलेट तो हुआ फ्लेम लिब्रा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरीके का बैटल वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।